Today we are going to discuss how to calculate standard deviation in case of grouped data. Group data do tarah ka hota hai, ek hota hai discrete series, another is continuous series. So first of all, discrete series, we will be discussing two methods to calculate standard deviation in discrete series. First method is actual mean method. So always remember, this method is to be used when x bar is a whole number. What is the formula of calculating standard deviation? Do you remember the formula of individual series? Do you remember summation? Yeah. अब ये है इंडिविजुअल का, वी आर डूइंग डिस्क्रीट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट? फ्रीक्वेंसी कॉलम इज देयर. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी देयर, एफ शुड बी देयर. तो यहां पर एफ आ जाएगा, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. हम ऐसे लिखते हैं ना, मार्क्स 10 है 5 स्टूडेंट्स के, तो लेट अस से एक्चुअल मीन कितना है, 5 है. इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार 10 माइनस 5 5 है. एक स्टूडेंट की वेरिएशन कितनी है, 5, लेकिन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 है, तो इन 5 की वेरिएशन कितनी हुई, 5 × 5, यानी आपने इसको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर, तो क्या बन गया, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इंडिविजुअल सीरीज में हम इसको एन से डिवाइड करते थे, क्योंकि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, हमने काउंट कर लिया 10, एन इक्वल्स 10. बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वी राइट 5 स्टूडेंट्स हैविंग 10 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स हैविंग, 3 स्टूडेंट्स हैविंग 13 मार्क्स, 8 स्टूडेंट्स हैविंग 14 मार्क्स. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? 5 + 4 + 3 + 8, दिस इज व्हाट, सिग्मा एफ, और वी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय विद कैपिटल एन. सो यहां पर स्मॉल एन आना चाहिए, नहीं, स्मॉल एन है ही नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में कहीं. क्या आना चाहिए, समेशन एफ. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, बोलेंगे सब, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ अंडर द रूट. मैथ स्टूडेंट्स, ये मैथ्स में भी आना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें उसको रिप्रेजेंट अलग से करते हैं, डी लिख देते हैं इसको. ठीक है, लेकिन वे बिल्कुल सेम है. गॉट इट? सो आपको वहां पे रिपीट ना करना पड़े, यहां पर ही अच्छे से कर लो. क्लियर है फॉर्मूला? क्वेश्चन करें, ये मेथड कब यूज करना है, ओनली व्हेन एक्स बार इज अ होल नंबर. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड आउट, राइट डाउन, फाइंड आउट. All of you write it down. Standard deviation of the following data using actual mean method. Using actual mean method. You are given x. You are given f. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. यह फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का. व्हाई वी राइट डाउन द फॉर्मूला, ताकि हमें स्टेप्स पता चल जाए.
तो यहां से फॉर्मूला से देखो, व्हाट वी रिक्वायर इज समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। उसके लिए सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स माइनस एक्स बार के लिए सबसे क्या पहले एक्स बार, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एक्स बार। सो यू कैन राइट एट द साइड और बीनीथ दिस क्वेश्चन एक्स बार। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एक्स बार, बोलो कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है बेटे। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड है एक्स बार को कैलकुलेट करने का, क्लियर। सो विच मींस हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स, नैरो कॉलम्स बनाइए, 4 into 1, एफ इंटू एक्स का कॉलम, फिर इसका टोटल, समेशन एफ आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं हमें और ना ही बोर्ड से नोट डाउन करने की कोशिश करिए, डू इट ऑन योर ओन। डन, एक्स बार कम्स आउट टू बी 2 times. शूज भी आपने दूसरे डाले हुए हैं, ठीक है। परमिशन ली हुई है, परमिशन ले लो ना फिर, ठीक है बच्चे। एक्स बार कितना आया, 10 आया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार। बहुत ध्यान से करना है बेटे, यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक्स बार हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लो एक्स माइनस 10, हर वैल्यू में से एक्स की 10 माइनस करना है। 4 minus 10, 6 minus 10, 8 minus 10, 10 minus 10, 12 minus 10, 14 माइनस 10, 16 माइनस 10। इसका कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि इसमें से कुछ डेविएशन माइनस में है, हमने इसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका टोटल नहीं करना, यही गलती होती है बच्चों से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को यूज करना है। एफ, एज आई ऑलवेज टेल यू, एफ इज योर फ्रेंड, यू टेक योर फ्रेंड वेयर एवर यू गो। तो यहां पर भी फ्रेंड को नहीं छोड़ना, साथ लेके जाना है। जब वो साथ हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। 36 into 1, 16 into 2, 4 into 3, 0 into 5, 4 into 3, 16 into 2, 36 into 1, got it? इसका हम टोटल ले लेते हैं, 160। जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए बेटे,
वैल्यूज पुट कर दे फॉर्मूला में, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज, समेशन एफ इज अंडर द रूट, डिवाइड करो 160 डिवाइडेड बाय 17 कम्स आउट टू बी 9.41 under the root. What do we do now? Square root. Karo apne aap. क्या करना है हमको? पेयर्स बनाने, पीछे से बनाएंगे, ये सिंगल रह गया, थ्री थ्री आर नथिंग इज लेफ्ट, पेयर उतारना है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अब क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है पूरा पेयर उतरा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो। यहीं पर गलती होनी थी आपकी तो मैंने करा, ठीक है। 30 का डबल, पॉइंट ऑलरेडी उतारा हुआ है, ठीक है। 4 पे जाना चाहिए, 4 4 20 4, 6 4 6 पे जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, ठीक है। 3636 छोड़ दो, दो डिजिट्स तक हम चाहते हैं, आ गया हमारा, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.06। जिनका मिस हो गया थोड़ा सा वो कंप्लीट कर लीजिए, आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मेथड assumed mean method, ठीक है। So assumed mean method, as is clear from the name, we take deviations from assumed mean, not from actual mean. Individual series में formula क्या था? Remember? ठीक है, अब इसमें एक ही एडिशन करनी है, जहां जहां dx है उसके साथ f लगा, स्मॉल n की जगह। फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f dx स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन f dx ओवर n होल स्क्वायर under the root. This is to be used when is not a whole number. क्योंकि उस केस में फिर कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोई भी एक वैल्यू को assumed mean मान लो, mean assume कर लो और उससे deviations लो, ठीक है। करें क्वेश्चन, write down. Calculate standard deviation, use shortcut method. X given है आपको, f
narrow columns. You should make starting from extreme left. अब उस केस में देखो हमें x बार निकालना पड़ता था, उसके लिए f into x करना पड़ता था, वो स्किप हो गया। फिर आप मेरे से पूछते हो ये शॉर्टकट कैसे है, शॉर्टकट कैसे है, इसमें आपको x बार नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है। टेकिंग एनी वैल्यू एज एन अज्यूम्ड मीन, जनरली टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की भी हमारी भी, सेंटर में से लेते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि एक्स बार जनरली सेंटर में ही होता है, ठीक है। आप चाहो जिसको प्लस माइनस भी कंफ्यूजन रहती है वो चाहे तो मिनिमम वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो। अब हमें क्या करना है, डी एक्स, एक्स माइनस फाइव है ना, वन माइनस फाइव, टू माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव, फोर माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव, एट माइनस फाइव। अब डी एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। बेटे ये ना एक तरह से स्टेप्स मेमोराइज कर लेने हैं कॉलम्स, ताकि फटाफट होते जाए। अब हमें चाहिए एफ इंटू डी एक्स, ये देखो इधर एफ इंटू डी एक्स, तो ये दो कॉलम सेकेंड और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या चाहिए, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, यू विल टेल मी। एफ और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका नहीं स्क्वायर ले सकते, ले सकते हैं। अच्छा आपके तो एक ही आंसर आएगा, ये ए है ये बी है, ऐसी है ना। जब ए बी का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए क्या था बी क्या था, तो क्या हुआ एफ स्क्वायर डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो कैसे फाइंड आउट करना है, डी एक्स का स्क्वायर ले लेना है, फिर उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एफ के साथ मल्टीप्लाई करना। मैं बता रही हूं आप सुन रहे हैं, फिर भी 50% बच्चे इसका स्क्वायर लेके आएंगे पेपर्स में। अभी आपको पता है ना, अब ऑब्जेक्टिव नहीं, अब सब्जेक्टिव भी आना है पेपर, जो आपके एग्जाम्स होने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि यहां सुनना नहीं है क्लास में, या भूल जाना है, या प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लॉजिक भी बता दिया है क्या गलती होगी। हमें चाहिए एफ, इसका एक सोल्यूशन पता क्या है गलती अवॉइड करने का, जब आप फॉर्मूला लिखते हो या बोलते हो उसको ऐसे बोलना है एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये मत बोलो एफ डी एक्स स्क्वायर, क्या बोलो एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो पता चल गया क्या चाहिए, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। 16 into 5, 30 into 10, सॉरी 10 into 9, 15 into 4, 20 into 1, 15 into 9, लास्ट वाले जो दो कॉलम्स हैं उनका टोटल ले लीजिए।
राइट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें. समेशन एफ इंटू डी डैश एक्स डी एक्स स्क्वेयर 435. समेशन एफ हंड्रेड. सो सिंप्लीफाई हो गया आपका. वन बाय सिक्सटीन 0.625 आई गेस. करो माइनस करो 4.35 माइनस 0.625 square root of 4.29. You can find out square root of 4.29. इधर कर रही हूं मैं. टू टू जा फोर पॉइंट लगा 29 बचा जीरो लगा. पता चल गया जीरो क्यों लगा. रिमाइंडर इज नथिंग एंड पेयर आप उतार रहे हो 40. फिर पेयर उतरा 5 पे जाएगा 6 पे. 6 6 36. हाँ ओके. 7 7 7 4 28 बिल्कुल ठीक है. 2.07. हाँ जी जीरो 65 नहीं 0.25 का स्क्वायर. 0.25 इंटू 0.25 25 इंटू 25 ठीक है 0.06 ठीक है. वो तो 4.29 इज ओके ना. ठीक है इधर बेटे हो गया सबका सम सॉल्व. नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे. TR Jain, note it down, page number 351. 3 questions are there, learning by doing, aapko box mein. Those 3 questions, page 351, note kiya. Learning by doing ke 3 questions, page 354. लर्निंग बाय डूइंग के 2 क्वेश्चंस. आज के लिए इतने ठीक है. एनी डाउट यू आर फेसिंग एनी चाइल्ड.